पेपर लीक जैसे अपराधों से निपटने के लिए सरकार ने शुक्रवार आधी रात को देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी कि सेंटर नोटिफाइज पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 लागू किया है। देश में चल रही नीट यूजी विवाद के बाद इस कानून को लागू किया गया। आइए समझते हैं कानून क्या है और किन परीक्षाओं पर लागू होता है। भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने और उससे निपटने के लिए अब तक केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास कोई ठोस कानून नहीं था। इसी वजह से अक्सर पेपर लीक की घटनाएं होती रहती हैं। हाल ही में नीट परीक्षा को लेकर विवाद चल रहा है और यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन होना ही रद्द कर दिया गया। इसके बाद कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 21 जून की रात इस कानून की अधिसूचना जारी की। नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच ये कानून लाने का फैसला सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। इस कानून के लागू होने के बाद अब पेपर लीक करने का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद से लेकर 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल की सजा होगी। इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के अनुसार कारावास की अतिरिक्त सजा दी जाएगी। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। साथ ही सेवा प्रदान करने वाले को 4 साल की अवधि के लिए किसी भी सार्वजनिक परीक्षा के संचालन की जिम्मेदारी से भी रोका जा सकता है। यदि कोई संस्था संगठित अपराध करने में शामिल है तो उसकी संपत्ति कुर्की और जब्त के अधीन होगी। परीक्षा की अनुपातिक लागत भी उससे वसूली जाएगी। अगर अपराध किसी निदेशक वरिष्ठ प्रबंधक या परीक्षा कराने वाली फर्म के प्रभारी व्यक्तियों की सहमति या मिलीभगत से किया गया है तो उन्हें 3 से 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। पब्लिक एग्जामिनेशन यानी कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया गया था। इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि RRB, बैंकिंग कर्मी चयन संस्थान यानी कि IBPS और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA की परीक्षाएं शामिल होंगी। केंद्र के सभी मंत्रालयों विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में होंगी। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। दरअसल मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट इन दिनों विवादों में है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA द्वारा ये परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी। लगभग 24 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा के आयोजन के दौरान ही पेपर लीक होने के आरोप लगने लगे। विवाद ज्यादा तब बढ़ा जब 4 जून को नीट UG रिजल्ट में रिकॉर्ड 67 उम्मीदवारों ने रैंक 1 हासिल की है। नीट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों ने पूरे 100% नंबर हासिल किए हों। साल 2023 में सिर्फ 2 छात्रों को 100% नंबर आए थे। देश भर से पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप लगने लगे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जिसके बाद केंद्र ने ग्रेस मार्क्स वाले 1563 स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड रद्द कर दिया और 23 जून को दोबारा इनकी परीक्षा लेने की बात कही। नीट में गड़बड़ी और री एग्जाम की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 5 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट इन सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। हालांकि कोर्ट ने एग्जाम को रद्द करने और 6 जुलाई से होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है।